लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। होडल, हरियाणा के लेक्चरर वीरेश चौधरी कौन बनेगा करोड़पति नौ में 1 करोड़ रुपए जीते जीते रह गए। वे 50 लाख रुपए जीत चुके थे और 1 करोड़ रुपए का सवाल भी उनके सामने आ चुका था, लेकिन उन्हें इसका सही जवाब पता नहीं था और न ही उनके पास कोई लाइफलाइन बची थी। फाइनली उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला लिया। बता दें कि वीरेश केबीसी के इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा रकम जीतने वाले कंटेस्टेंट बने हैं। वीरेश मेवात के नगीना में लेक्चरर हैं। उन्होंने बीबीए के साथ साथ 2 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री और बीएड कर रखी है। वे नेट क्वालिफाई भी हैं। 29 साल के वीरेश के पिता शिव कुमार होडल में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। वीरेश के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां हैं। वीरेश एक बेटी को साइंटिस्ट और दूसरी को स्पोर्ट्स स्टार बनाना चाहते हैं। वीरेश के एक भाई की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। वीरेश कौन बनेगा करोड़पति में चाचा देव कुमार को जोड़ीदार बनाकर ले गए थे। इसके अलावा उनकी माँ और चाची भी केबीसी में वीरेश के साथ पहुँची थी।